हाँ बेटा बोलो। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी राधे राधे। सर्वप्रथम आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप देखो सब लोग बैठ जाएंगे ना तभी बातचीत हो पाएगी, सब खड़े होंगे तो कैसे बातें होंगी। महाराज जी मेरा कुछ प्रश्न है। बोलो बेटा। इस प्रश्न को पूछने में और कुछ कहने में अगर गलती हो तो क्षमा करिएगा महाराज। बोलिए। महाराज मेरा पहला प्रश्न है, मैं 2-3 वर्षों से प्रतिदिन पीपल में, तुलसी के पत्र में, सूर्य देवता में आदि में जल चढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं महाराज जो रविवार के दिन पीपल के पेड़ में और तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाने से दोष होता है वह कहते हैं। ठीक है। क्या ये सही है महाराज और इसका निवारण क्या है? संडे के दिन पीपल में अलक्ष्मी का वास होता है, इसलिए संडे के दिन भगवान श्रीमन्नारायण का तुलसी में वास होता है, इसलिए संडे के दिन पीपल को जल नहीं चढ़ाते और संडे के दिन तुलसी को तोड़ते नहीं है। क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि भगवान का वास होता है उसमें। पीपल में जल इसलिए नहीं चढ़ाते संडे के दिन क्योंकि पीपल में उस दिन अलक्ष्मी का वास, बाकी दिन लक्ष्मी रहती है पीपल में, लक्ष्मी नारायण। एक दिन संडे के संडे अलक्ष्मी का वास होता है। जी महाराज। महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मनुष्य जब बचपन में होता है, जो उसकी बचपन की आयु होती है, वो बहुत चंचल होता है, स्फूर्ति उसमें ज़्यादा होती है, आलस्य नहीं होता। जैसे जैसे मनुष्य बढ़ते जाता है उसमें आलस्य बढ़ते जाता है, जिससे उसकी पढ़ाई में या अन्य कार्य में भी दिक्कत होती है। ठीक है महाराज, ये आलस्य को दूर करने का क्या उपाय है? आलस्य आपके संकल्प से दूर हो सकता है। जैसे आप ये ठान लें कि हमें इतने बजे उठना है और इतना पढ़ना है, यदि इस संकल्प शक्ति को आपने स्ट्रांग कर लिया तो आलस्य ढीला पड़ जाएगा। आलस्य हमारा शत्रु है और उसे भी परास्त करना हमारा ही कर्म है। ठीक है, खुश रहिए। वो पीछे बहन खड़ी है। महाराज मैं आपकी कथाएं करीबन 3-4 वर्षों से सुन रहा हूँ। मैं आपकी मोटिवेशनल जो स्पीच रहती है उन्हें भी सुनता हूँ। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ महाराज। खुश रहिए बेटा। आपके जीवन में कथा से सुधार हुआ। जी महाराज, इसमें पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता है महाराज। भगवान देश के लिए कुछ अपने माता पिता के लिए करने का मन। बेटा सबके पास माइक आएगा, आप बैठ जाइए, विश्वास रखिए सबसे हम बात करेंगे। राधे राधे महाराज। पीछे बहन खड़ी है आपके, बात कराओ। राधे राधे महाराज जी। बैठ जाओ, सब लोग बैठो। अब बेटा हम माइक पहुँचाएंगे, आप बैठो, बोलिए। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं रात को सोती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि शरीर से ना आत्मा बाहर आ गया है, तो ये सही है क्या? नहीं, लगता तो बहुत कुछ है। आत्मा बाहर आ जाती तो आप मर नहीं जाते? नहीं वैसा नहीं है, जैसे ना उठती हूँ तो ना ऐसे दर्द का अनुभव भी होता है। जैसे दर्द इसलिए होता है क्योंकि आप थोड़ा सा योग, एक्सरसाइज और खान पान थोड़ा ठीक करो। सवेरे उठ के आधा घंटा सबको योग करना चाहिए। हम रोज सवेरे जाग के योग करते हैं, करना चाहिए। आप करेंगे अपने आप फिट रहेंगे। ठीक है जी। पीछे। और ना मेरी दादी और नानी आपसे मिलना चाहती है, तो आप उनको कृपया करके ना मैया राधे राधे बोल। खुश रहिए, सबको राधे राधे। ठीक है, खुश रहिए। पीछे माइक देना।